गुड मॉर्निंग क्लास। देखो आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था परसेंटेज एरर का आई विल बी डिस्कसिंग। तो आपका क्वेश्चन गिवन है, अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए की पावर 2 बी की पावर 3 डिवीजन में सी इंटू में अंडर रूट डी। अंडर रूट डी का मतलब डी की पावर 1/2। ठीक है, तो आपको ये गिवन है फॉर्मूला। एक आपको बोला है इफ परसेंटेज एरर इन एक्स इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 4%, 3%, 2% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब आपका ए में परसेंटेज एरर 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है एंड डी में 1% है। आपको निकालना है, यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स में परसेंटेज एरर का क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे बोलता हूं वैसे करना। और इसमें बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, सर ये अंडर रूट डी और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये डाउट भी आपका क्लियर करेंगे साथ साथ। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला आपको गिवन है एक्स इक्वल्स टू ए की पावर 2 बी की पावर 3 अपॉन में सी अंडर रूट डी, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन एक्स। तो सबसे पहले आपको आपका जो एरर का फॉर्मूला होता है वो लिख लो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड पावर में जो आपको सिखाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सबके तीनों के फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं, बस इसमें पावर होती है, इतना सा डिफरेंस होता है। देखो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स, अंदर क्या बनेगा, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, 2 डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, ठीक है, प्लस में बी के ऊपर 3 है, 3 आगे आ जाएगी, 3 डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, प्लस में सी, सी के ऊपर पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, 1 इंटू डेल्टा सी बाय सी। इट डजेंट मैटर सी नीचे है या ऊपर है, ठीक है, सी अगर ऊपर होता तब भी यही आता, सी नीचे है तब भी यही आएगा, ठीक है, ये मैटर नहीं करता सी नीचे। कई बार बच्चे सोचते हैं सर सी तो नीचे है, अगर सी को ऊपर ले जाएंगे तो सी की पावर -1 बन जाएगा, तो यहाँ -1 आना चाहिए, नहीं, वो प्लस माइनस आपका यहां बाहर लगाया जाता है, ये है वो प्लस माइनस जो ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है, तो यहां पे दोबारा नहीं लगाना है। साथ में डी, डी के ऊपर है 1/2, ठीक है, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 लिख दो, साथ में अंडर रूट डी डिवाइड बाय डी। तो ये बन गया मेरा वो बेसिक फॉर्मूला जो बनाते हैं। अब उसने परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला है और आपके ए बी सी डी इन सब में परसेंटेज एरर गिवन भी है, तो इस फॉर्मूला को परसेंटेज एरर में चेंज कर दो। कैसे करोगे? इनटू 100 करके दोनों तरफ, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस। अब जब आप इनटू 100 करोगे, इनटू 100 करोगे इस तरफ, तो ये 100 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा ट्वाइस डेल्टा ए बाय ए इनटू 100, इससे भी तो होगा मल्टीप्लाई, प्लस में 3 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई में डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाय डी इंटू 100, क्योंकि राइट साइड में जिस 100 से आपने मल्टीप्लाई किया है वो 100 ब्रैकेट में हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका। अब देखो आपका परसेंटेज एरर बन चुका है, परसेंटेज एरर इन एक्स, ये बन गया आपका लेफ्ट में परसेंटेज एरर। अब राइट में कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2, अब ये डेल्टा ए बाय ए इनटू 100 बन चुका आपका परसेंटेज एरर इन ए, जो आपको गिवन है 4%, तो यहां पे आप 4% पुट कर दोगे, 4% प्लस में 3 मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर इन बी है आपका 3% प्लस में 1 इंटू परसेंटेज एरर इन सी है आपका 2% प्लस में हाफ परसेंटेज एरर इन डी है आपका 1%, ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करना इसको, 2 4 जा 8 परसेंट प्लस में 3 3 जा 9 परसेंट प्लस में 2% प्लस में 1/2, ये बन गया 0.5% आपका। तो ऐड करोगे इसको क्या आएगा आपका, 9 प्लस 2 11 प्लस 8 19 प्लस 0.5 19.5,
19.5%, ये आपका आंसर है। परसेंटेज एरर इन एक्स। तो एक बार क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं दोबारा से। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन थी एक्स इक्वल्स टू ए ए स्क्वायर बी क्यूब डिवीजन में सी अंडर रूट डी। आपको परसेंटेज एरर गिवन थे ए बी सी डी में 4%, 3%, 2%, 1% रिस्पेक्टिवली। का मतलब है पहले ए आया तो ए का, फिर बी आया तो बी का, ऐसे सी और डी का। आपसे परसेंटेज एरर इन एक्स पूछा था, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। अब परसेंटेज एरर निकालो, सबसे पहले आपका फॉर्मूला लिखो पावर्स वाला जो आपको स्कूल में सिखाया गया। डेल्टा एक्स बाय एक्स ब्रैकेट में आपका आएगा, अब जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, ट्वाइस डेल्टा ए बाय ए, 3 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी। सी के ऊपर वन पावर है तो 1 × डेल्टा c/c। -1 नहीं लिखना है, याद रखना। जो माइनस है वो प्लस माइनस की टर्म्स में बाहर ऐसे ही आया हुआ है। जो आपको प्लस माइनस लिखवाया जाता है वो इसलिए ही लिखवाते हैं, अंदर कभी भी प्लस माइनस मत लिखना, ठीक है? सिर्फ ये ऐड होते हैं आपस में। तो 1 × डेल्टा c/c और d के ऊपर 1/2 पावर है तो +1/2 डेल्टा d/d। अब हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो × 100, यहां भी × 100 होगा, वो 100 हर एक टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है? अब परसेंटेज ये बन चुका आपका परसेंटेज एरर इन ए। तो परसेंटेज एरर गिवन था 4%, लिख दिया ऐसे 3%, 2% एंड 1%। मल्टीप्लीकेशन की और इसको एड ऑन किया, हमारा आंसर आया 19.5%। बस इसमें एक ही चीज है जो आपको याद रखनी है, ये जो नीचे सी और डी दिया है, सी के ऊपर पावर 1 है, डी के ऊपर पावर 1/2 है, ये पावर ऐसी की ऐसी आएगी, माइनस साइन कभी भी मत लिखना। यही गलती है जो इस क्वेश्चन में होती है, और कोई भी मिस्टेक नहीं होती। प्लस माइनस जो भी आता है वो बाहर आता है, अंदर सारी की सारी टर्म्स हमेशा ऐड होती है आपस में, ठीक है? चलो, दिस वॉज द क्वेश्चन। इफ यू हैव डू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट इन द ऑप्शंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।